अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स, हमारा लेसन नंबर 6 त्रिकोण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुसल्लस। आज ये लेसन हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम दूसरा लेसन चलाएंगे। तो हमारा पार्ट 7 के अंदर हम देखेंगे कि इससे पहले मैंने आपको प्रमेय यानी कि मसले 6.6 और 6.8 मैंने आपको सिखाया और जितने भी सूत्र थे वो मैंने आपको सिखा दिए। अब आज हम देखेंगे, मैंने पहले आपको मसला सिखाया है, अब उसके बाद हम उस मसले का जो मैंने सिखाया है उसके सूत्र के ऊपर से आज मैं आपको सम सिखाऊंगी यानी कि दाखिले सिखाऊंगी, हिसाब सिखाऊंगी। तो पहले मैंने प्रमेय सिखा दिया है ताकि आपको याद हो जाए, प्रमेय याद करना ज़रूरी है 6.6 और 6.8। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणों क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र पहले मैं आपको लिखाती हूँ। त्रिकोणों क्षेत्रफल, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, मुसल्लस का रकबा, क्या कहेंगे हम, मुसल्लस का रकबा। तो मुसल्लस के रकबे के अंदर सबसे पहले मैं तस्वीर के जरिए आपको समझाती हूँ कि मेरे पास दो मुसल्लस है, ए बी सी, और दूसरा मुसल्लस मेरे पास है, कोई भी ले लो, पी क्यू आर ले लो, चलो पी क्यू आर। तो मुसल्लस का रकबा जब हमको मालूम करना है तो देखो जाब्ता कैसा आएगा कि मुसल्लस ए बी सी बटे मुसल्लस पी क्यू आर बराबर, तो ए बी बराबर क्या है हमारे पास, पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू पूरे काउंस की कुव्वत कितनी रख देने की, 2, इज इक्वल टू बी सी बराबर क्या है, क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर पूरे काउंस की कुव्वत 2, और ए सी अपॉन क्या आएगा, पी आर है ना, इसकी भी कुव्वत 2। अब जाप्ता बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जाप्ता है बड़ा, लेकिन हमको सवाल देखकर देखना है हमको कि सवाल में पूरा के पूरा जाप्ता इस्तेमाल होगा नहीं। तो अगर हमको ये तो अगर इसका मार्क दिया है तो हम इसको तो लेंगे ही, लेकिन अगर हमारे पास फर्ज करो कि हमारे को ए बी दिया है तो सिर्फ हमको ये दो की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ किसकी ज़रूरत रहेगी, इसकी रहेगी। अगर बाय चांस ये नहीं देता है, ये नहीं देता है ना, अगर ये देता है हमको, इसकी रकम सवाल में दी रही हो तो हम इसको और इसको लेंगे, बाकी ये दो को हम लेंगे नहीं। हमको सवाल देखना है और सवाल के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है। तो ये आपका है मुसल्लस के रकबे का जाप्ता है कि मुसल्लस ए बी सी अपॉन मुसल्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, लेकिन सवाल देखने के बाद हम ये जाप्ता भी लिखेंगे। मैं आपको एक मिसाल हल करके बताऊंगी ताकि समझ में आ जाएगा। तो ये जाप्ता आपको लिखना है, देखो मेरे पास यहाँ है, मैंने उदाहरण एक ले लिया है कि मुसल्लस, ये तो हमारे 6.5 की उदाहरण है ये कि मुसल्लस ए बी सी मुशाबे है मुसल्लस डी ई एफ के, इससे पहले मैंने आपको जाप्ता लिखा दिया है, तेमना क्षेत्रफल अनुक्रम, क्षेत्रफल का मतलब पहले बता दिया है कि रकबा अनुक्रमे 64 सेंटीमीटर अने 121 सेंटीमीटर हो तो बी सी 100। तो सबसे पहले हमारे पास कितने मुसल्लस है, दो मुसल्लस है, कौन कौन से है, एक तो है मुसल्लस ए बी सी बट ए, दूसरा मुसल्लस कौन सा है मेरे पास, डी ई एफ। चलो सबसे पहले इसका मैं जाप्ता आपको बनाती हूँ, जो पहले मैंने जाप्ता आपको लिखाया था उसके हिसाब से, वहाँ मैंने पी क्यू आर लिया है, यहाँ सवाल में क्या है, डी एफ है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ के सवाल में जो है उसके ऊपर से ही हम जाप्ता बनाएंगे और जिसकी जरूरत है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलो ए बी अपॉन क्या आएगा मेरा देखेंगे, ए बी अपॉन क्या आएगा, डी ई आएगा पूरे काउंस की कुवत 2, बी सी अपॉन क्या आएगा मेरे पास, ई एफ आएगा पूरे काउंस की कुवत 2 बराबर, ए सी अपॉन क्या आएगा मेरे पास, डी एफ। चलो हो गया। अब सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे कि हमको तलाश क्या करना है, बी सी,
चलो बी सी तलाश करना है, यानी कि ये हमारा खुद दिया है, ए बी सी का रकबा भी दिया है 64 और डी ईफ का रकबा भी हमको कितना दे दिया है 121। ये दो चीज़ तो हम लेंगे लेकिन इसको और इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तलाश क्या करने का है, बी सी, यानी कि हमको ज़रूरत किसकी है, बी सी की ज़रूरत है। तो इसलिए देखो मैं लिखती हूँ कि मुसल्लस ए बी सी अपॉन मुसल्लस डी ई एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ई एफ नहीं लिखे रहा है, देखो 121 सेंटीमीटर हो है। तो बी सी एक मिनट में सवाल में ही है, बी सी है और ई एफ वो है तो 64 सेमी अने ई एफ बराबर 15.4 तो बी सी 100। फिर आप कहेंगे ई एफ कहाँ से आया, तो मुसल्लस ए बी सी में डी एफ है तेना क्षेत्रफल अनुक्रम में 64 सेमी अने 121 सेमी है अने ई एफ 15.4 हो तो बी सी 100। तो देखो मेरे को जिसकी ज़रूरत थी मैंने उसका इस्तेमाल किया, मैंने इसका इस्तेमाल किया नहीं किया, इसका इस्तेमाल किया नहीं किया, तो हमको सवाल में जो दिया गया हो उसका ही हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। चलो अब मुसल्लस ए बी सी का रकबा कितना है 64, मुसल्लस डी ई एफ का रकबा कितना है 121। बी सी हमको तलाश करने का है और ई एफ कितना दिया गया है हमारे को 15.4 दिया है 15.4। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे के 64 का वर्गमूल कितना निकलता है 8 8 64, 121 किसका ये जाजुल मुरब्बा है 11 का, 11 को 11 से दे देते 121 बराबर करके बी सी बाहर निकलेगा तो बी सी अपाउन क्या देंगे 15.4। चलो तीसरे तरफ देंगे, सबसे पहले हम 8 को इससे देंगे, इसको इससे देंगे तो बी सी इज इक्वल टू 8 ज़रब 15.4 बटे कितना हो गए 11। अब पॉइंट आ गया, हम आप लोग टेंशन ले लेते हैं तो कोई टेंशन लेने का नहीं, अगर ऊपर पॉइंट हो तो नीचे 10 रखने का और नीचे अगर पॉइंट हो तो ऊपर रख देने का, पॉइंट को हटा देते। चलो बी सी इज इक्वल टू 8 ज़रब 154 बटे देखो 10 आया नीचे, ज़रब 11 का 11, 11 एक का 11 कितने बचे 4 बचे, 11 चौक 44। चलो 14 और 8 को हम इंटू करते तो कितना जवाब आता है 112 आता है, 14 8 है देखो 4 8 32 2 बद्दी चढ़ी 3 8 एक 8 9 10 11 112 जवाब आया 112। अब ये 10 बचा, एक के बाद में क्या रख दूँगी यहाँ पॉइंट, तो बी सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला 11.2, तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, ये प्रमेय भी मैंने आपको लिखा दिया था लेकिन अब मैं इसका तब जाप्ता लिखाऊंगी। चलो अब हम देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, इससे पहले मैंने आपको पाइथागोरस का प्रमेय सिखा दिया, यानी कि पाइथागोरस का मसला जिसको हम कहेंगे उर्दू में पाइथागोरस का मसला, तो ये मसला मैंने आपको लिखा दिया है लेकिन अब इसके जाब्ते में आपको लिखाती हूँ ताकि अगर कोई हिसाब आ जाए तो हम उसको हल कर सकें। तो सबसे पहले मेरे पास तस्वीर है, देखो मैंने बताई थी तस्वीर आपको, एक उलट करके बताई थी तस्वीर और उसको सीधी भी बताई थी, तो मैं आज वहाँ सीधी बताती हूँ आपको कि समझ में आ जाए। मेरे पास फर्ज करो कि मेरे पास एक मुसल्लस है, कितने का है 90 का है, जिसके अंदर एंगल भी क्या है 90 का है। ये तस्वीर भी जरूरी नहीं है कि ऐसी आएगी सेम, सवाल देख देख के हमको बनानी है। और यहाँ से मैंने निकाला एन, मेरे पास मुसल्लस एक था, मुसल्लस ए बी सी, लेकिन मैंने बी एम जब वो उसका वेट दिया तो क्या हो गया उसके ऊपर दो मुसल्लस मेरे बने। अब टोटल मेरे पास कितने मुसल्लस हो गए यहाँ पर 3 हुए, एक मेरे पास मुसल्लस बना ए बी सी, दूसरा मेरे पास मुसल्लस बना बी एम ए और तीसरा मेरे पास मुसल्लस बना बी एम सी, कितने मुसल्लस बने 3 और टोटल मेरे पास हो गए मुसल्लस 3। तो सबसे पहले देखो कौन सा मुसल्लस है ए एम बी, तो ए एम बी किसके मुसाबे होगा मुसल्लस बी एम सी के, बी एम सी के और बी एम सी किसके, दोनों ये मुसल्लस किसके मुसाबे होंगे मुसल्लस ए बी
सी के। तीन मुसल्लस बने मेरे पास। अब ये तीन मुसल्लस के ऊपर से हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने जाप्ता लिखाया था, ए बी स्क्वायर अगर हमको तलाश करना है, देखो याद रहे कि ए बी अगर हमको तलाश करना है तो हम हिदर का यानी कि जो भीतर है हमारा उसका आधा भाग और पूरा भाग लेंगे। तो ए एम इन टू ए सी क्या आ जाएगा हमको चाहिए, अगर ये तलाश करना है ए बी स्क्वायर तो ए एम इन टू ए सी पूरा भाग लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर के अंदर से क्या लेंगे हम, नीचे से आएंगे, बी सी इधर का विभाग है तो इधर से आएंगे हम। तो सी एम इन टू किसको लाऊंगी मैं, सी एम इन टू के साथ में इसको साथ में भी क्या लाऊंगी, ए सी। बहुत ईजी है, देखो ए बी लेना हो तो ऊपर से आना है आधा भाग और पूरा भाग, बी सी यानी कि नीचे का जो हिस्सा तलाश करना हो तो नीचे आधा हिस्सा और पूरा। अब उसके बाद हमको क्या, अगर बी एम हमको तलाश करना हो तो बी एम तलाश करने के लिए हम किसको लेंगे, ए एम इन टू सी एम या एम सी सी एम। ये हमारा हो गया पाइथागोरस का प्रमेय। क्या कह रहा है कि देखो इधर का तलाश करना हो तो ए एम इन टू ए सी ऊपर से आएंगे, अगर नीचे खायदा का तलाश करना है बी सी मालूम करना हो तो सी एम इन टू ए सी नीचे से जाएंगे, और अगर बी एम तलाश करना हो तो ए एम इन टू सी एम। ये हमारा हो गया पाइथागोरस का प्रमेय, यानी कि इसको बोलेंगे हम पाइथागोरस का मसला। ये जाप्ता है, जाप्ते आपको आगे हिसाब के अंदर काम लगेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे एपोलियंस लॉ प्रमेय। चलो इसके बाद देखेंगे हम एपोलियंस लॉ प्रमेय। तो इसके अंदर भी मैं आपको तस्वीर के साथ समझाती हूँ कि अगर मुसल्लस एबीसी में हम देखेंगे कि अगर मुसल्लस एबीसी में एडी वस्तानिया, जिसको बोलेंगे गुजराती में मध्यमा, वस्तानिया हो तो, वस्तानिया हो तो देखो तस्वीर में बनाती हूँ। ये मेरे पास मुसल्लस ए बी सी मध्यगा, जिसको हम कहेंगे डी, ए डी मध्यगा। मध्यगा का मतलब होता है वस्तानिया। क्या होगा, वस्तानिया यानी कि जिसके दोनों सर के भाग हो, याद रहे जिसके दोनों सर के भाग हो। तो इसका जाप्ता मेरा क्या बनेगा कि ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर वत्ता ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू काउंट्स के अंदर ए डी, इसको लूंगी मैं वस्तानिया को लूंगी, ए डी प्लस किसको लूंगी, ए डी प्लस किसको लूंगी मैं, बी डी। ये मेरा एक जाप्ता बन गया। अब इसके अंदर अगर दूसरा जाप्ता हम देखेंगे तो दूसरे जाप्ते के अंदर क्या होगा कि अगर मुसल्लस ए बी सी में, अगर मुसल्लस ए बी सी में अगर एंगल जो बी है हमारा, क्या है जो एंगल बी जाविया हादा होए, तो जाविया हादा होए तो एंगल बी मेरा क्या होए, जाविया हादा, जाविया हादा होता है तो क्या होता है उसके अंदर, जाविया हादा के अंदर के तस्वीर में बताती हूँ आपको कि उसके अंदर देखो याद रहे कि दोनों तस्वीर एक जैसी है कि मेरे पास एंगल ए बी सी, लेकिन मेरा जो ये है जो डी हैगा वो मेरा अगर नेहू का होना चाहिए, जबकि इसके अंदर कैसे है दोनों वस्तानिया है, जबकि यहाँ क्या है वेद है यानी कि इर्तेफा, जिसको हम कहेंगे इर्तेफा ए डी, जिसकी वजह से मेरा ए डी सी नेहू का बनता है। एंगल बी अगर जाविया हादा होता है तो क्या आएगा मेरा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इन टू किसको लूंगी मैं,
बी सी इंटू किसको लाऊंगी बी डी, ये मेरा हुआ एप्पल। अब तीसरा है कि अगर मेरा सेम टू सेम ऐसे तस्वीर तो आएगी, लेकिन अगर ये हाथा की जगह पर अगर जाविया मुनफर्जा होता है, जाविया मुनफर्जा होता है तो मेरा कैसा बनेगा देखो तस्वीर, मैं बताती हूँ आपको कि अगर मेरा जाविया मुसल्लस ए बी सी के अंदर, मुसल्लस ए बी सी में एंगल बी क्या आएगा, जाविया मुनफर्जा जिसको हम कहेंगे गुरु कोण, अगर मुनफर्जा हो और ए डी वस्तानिया हो, जाविया मुनफर्जा हो और वस्तानिया हो, तो देखो हम सबसे पहले बनाएंगे के ये मैंने लिया, अब उसके बाद मैं यहाँ से यूँ लेके यूँ कर दूंगी, तो जाविया मुनफर्जा यानी कि इस एक मिनट मैं बताती हूँ कैसा बनेगा कि जाविया मुनफर्जा, मैं आपको बताती हूँ जाविया मुनफर्जा हो यानी कि यहाँ आएगा मेरा ए बी सी और मेरा वेद का आएगा यहाँ पर बाहर आएगा वेद, तो इसके अंदर हमारे को कैसा बनाने का है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस टू, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस रहेगा, प्लस क्या लेंगे हम बी सी इंटू बी डी, तो ये हो गए हमारे एपोलियंस नो प्रमेय, ये तीनों तीन मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने पाइथा का बताया, फिर मैंने आपको बताया मुसल्लस का रकबा जाब्ते बताए, और यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 4।